अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ चुके हैं आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज हम खेलेंगे एक न्यू गेम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खेलने लगे हैं न्यू गेम राइस ऑफ किंगडम। बहुत से लोगों को शायद पता हो इस गेम के बारे में, तो कुछ लोगों को नहीं पता। तो ये एक क्लैश ऑफ क्लैन है जो पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेली जाती, लेकिन अब जो है वो छोड़ दी गई है, यानी ख़त्म कर दी गई है। तो बेसिकली ये एक किंगडम होता है जहाँ पर आपको, यानी एक पूरा ये किंगडम आपको दिखा देता हूँ। एक पूरी ये देखा, एक किंगडम है जिसमें मैं, और इसमें और भी मुख्तलिफ टेरिटरीज, अपनी टेरिटरी बनानी है, यानी अपना पूरा फैलाव करना है इस पूरे किंगडम में या फिर एक हिस्से में। और एक लॉस्ट ऑफ किंगडम होता है जिस पे आखिर में आपको कब्ज़ा करना वगैरह होता है, तो आप फिर उस किंगडम के किंग कराते हो। वो बाद में कोई भी आके आप कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। तो जैसे कि ये बहुत सारी टाइटीज़ जैसे फैली हुई हैं, KD78, IRJ2। तो आप जहाँ पे किसी, आपका रैंडम कोई सा भी हो सकता है सर्वर। ये मतलब कि ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो गनर सर्च आ गए ना। अच्छा, कैरेक्टर मैनेजमेंट, यानी आप किसी भी सर्वर में जाके ना, आप यानी जैसे मैंने ये 2-3 बनाई है, अब ये देखो न्यू सर्वर आए, आप इनमें भी जाके अपनी बना सकते हो। तो ये दिखाता है कि जहाँ जहाँ पर लाल होगा, रेड होगा ना, जिस ये देखे जैसे ये ग्रीन है इधर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, यानी वो गवर्नर्स ही गवर्नर्स होंगे। तो जैसे आप बेसिकली खेल सकते हो। तो अपनी गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी ये काफ़ी अर्सा पहले मैं खेल रहा था इसको, मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है। ये मेरा CTR15 है, अब मैं अपग्रेड करूँगा तो मैं डार्क एज में चला जाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं कौन सी एज में हूँ, आई थिंक मैं वो सिल्वर एज में हूँ। तो मेरे पास जो मेरी पावर आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास बिल्डिंग पावर है 5,10,000, टेक्नोलॉजी पावर 2,45,000, ट्रूप्स पावर है 7,17,000 और कमांडर पावर 3,000। इसमें आपको बेसिकली कमांडर्स वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी मेरे। ये देखो जैसे अनलॉक है, इनमें ये लेजेंडरी कमांडर्स होते हैं, यानी जिनका ये देखा अब इनको, जैसे ये मैंने अभी इनको इसको एक्सचेंज कर दिया ना इसके अंदर। तो आप ऐसे एक्सचेंज करके इसकी पहले स्किल्स बनाना, और अगर आप जब खेलने लगोगे तो मुझसे कमांडर्स के बारे में एक लाजमी वो लेना एडवाइस, मैं उसमें दूंगा, क्योंकि मैंने गलती किया, लेकिन मैं नहीं चाहता जो कोई ना नया आगे खेले तो वो भी गलती करे। और ज़्यादा मैं यार टाइम नहीं लूँगा। तो ये आप परचेज वगैरह भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। तो ये डेली होते हैं, यानी ये 2 मार्च को अब होंगे, 8 ट्यूसडे आज हो चुके हैं ये। और ये नोटिस बोर्ड है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के एंटी चीट वगैरह और अनाउंसमेंट मिल जाएगी राइस ऑफ किंगडम की तरफ से। और ये रिक्वायर्ड है, यहाँ से आप ये कीज से भी खोल सकते हैं चेस्ट वगैरह, जिससे आपको ये देखा ये मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। और ये आप गोल्डन चेस्ट से भी, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, से भी इससे आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद। तो अभी मेरे कुछ ट्रूप्स फार्मिंग के लिए गए हुए हैं, जहाँ मैं ले जाता हूँ ये वुड वगैरह। तो मैंने एक जो है वो एलियंस, इसमें एलियंस ही कहते हैं, यानी टेरिटरी एलियंस कहते हैं, वो ज्वाइन किया हुआ है। तो इमॉर्टल पांडाज हैं, मैं इस टाइम 1978 के किंगडम में हूँ। तो मैं 1978 के किंगडम में हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ इससे पता लग जाता है एक में। 1978 बेसिकली ये मैं खेल इम्यूलेटर पे लाऊं तो इसमें इजी है। मोबाइल पे भी आप खेल सकते हो, ये नहीं है कि मोबाइल पे नहीं खेल सकते, अब मोबाइल पे भी लाजमी खेल सकते हो। तो मैं जिस किंगडम में हूँ, तो आप चाहो वो उस किंगडम में यहाँ से जाके, अब जहाँ पे भी न्यू आईडी जोन से भी किंगडम में बनेगी ना, अगर आप वहाँ पर खेलना चाहते हो तो वहाँ पर भी खेल सकते हो। अगर आप मेरे किंगडम में आना चाहते हो तो आप फिर यहाँ पर सेटिंग में जाओगे, करेक्टर मैनेजमेंट में जाओगे, उधर एक न्यू करेक्टर बनाओगे। यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे जो न्यू थे, तो लेकिन मेरा फिर दिल नहीं किया, मैंने कहा चलो एक ही में ही हूँ तो मैं फिर इसी में रहता हूँ। तो आपको सिविलाइजेशन शुरू में वो क्रिएट करनी होती है। तो अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो ये एक एलियंस है जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प वगैरह करते हो, यानी इसको अपग्रेड वगैरह भी करना होता है, और वॉल्स वगैरह को भी अपग्रेड करना होता है, यानी वो हर चीज़ को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये रिसर्च होती है जिसमें आपको अपनी, यानी हर एक चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। मेरा तो ये बहुत कम है, लेकिन बहुत से लोगों का ये, जो पुराने पुराने खेलते जब से ये नहीं आई थी तब से ये बहुत अच्छा है। और ये मेरा जब नया टाउन हॉल आएगा, तो आपका जब शुरू में होगा आपका ये
एज वन में होंगे ये, फिर ये एज टू में होंगे, जैसे ये मेरे 87,000 है, उसके बाद आर्टिलरी है मेरे पास ये, और फिर जैसे आप जैसे ये रिसर्च अपग्रेड करते जाओगे ना, ये देखा ये मेरे लेवल टू के तब खुले थे रिसर्च अप करने के बाद, अब ये मेरे नेक्स्ट ऑन में जाऊँगा तो ये कंपोजिट वो न्यू एज थर्ड एज में आ जाएंगे ये। तो अभी फ़िलहाल हम बारबेरियंस पर अटैक करेंगे, जिसमें बारबेरियंस पर आप अटैक करके जो है वो अच्छा खासा लूट भी सकते, जैसे ये बारबेरियन है 21 लेवल के, तो मैं फ़िलहाल इन पर अटैक करूँगा दो अपने ट्रूप्स के साथ। एक मिनट मैं इधर एक जो है वो मैक्सिमम बुला लूँ, जैसे वो बाहर नहीं आते यार, बुलाना पड़ता उनको। ओके अच्छा एक और बात, अगर जब आप ये जैसे रिसोर्स वगैरह गैदर करने जा रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखना आप आर्टिलरी जो है वो सेंड करो, क्योंकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज कलेक्ट करता है। अगर आप ये देखो ये इनको करोगे ना सेंड, तो ये बहुत काम करेंगे, लेकिन आर्टिलरी थोड़े से ही में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करके लेके आ सकती हैं। तो मैं अच्छा आज मैंने इन पर अटैक नहीं करना। ओके मैं इनको गैदर करने के लिए बाहर बुलाता हूँ, एक मिनट मेरा ये कमांडर, इसकी जगह मैं कौन सा कर लूँ, साथ में कौन सा करूँ इसके इसके साथ, चलो ये वाला कर लेता हूँ। ओके ये मैंने कम करना है, मैक्सिमम इसको रखना है बो मैन। ओके ओके ये 21 है। उसको और गैदर करने के लिए मैं अपना एक और बुलाता हूँ कमांडर, एक मिनट ये बुलाता हूँ, इसके साथ मैं ये वाला बस इसको मेन पे रख लेता हूँ, इसको मैं मेन पे रखता हूँ। अच्छा ये अकेला ही आएगा फिर, ये फ़ायदा नहीं है इसका, दो दो हो तो फिर अच्छा रहता है। चलो इसको रख देता हूँ पीछे, ये लेजेंडरी कमांडर है, यानी ये जो है मैक्सिमम पावर लेके जाएगा अगले वाले की। ओके तो ये स्वॉर्ड्स मैन मैं रख लेता हूँ, कुछ वो मैं और लाइट लाइट कैवलरी यानी जो घोड़े पे होते हैं वो है। ओके इन पे अटैक करते हैं, जैसे ही वो अटैक ओके ये देखा ये जो पावर साइड में जा रही है ना, इससे होगा तो इसमें इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो इस बजेगी आगे, ये देखा। शायद मैं ना जीत पाऊँ क्योंकि ये मैक्सिमम है मुझे लगता है, क्योंकि ये इसकी 21 पावर बहुत ज़्यादा होती है, और उसके लिए कम से कम 1 लाख ट्रूप्स लाजमी चाहिए होते हैं, तो मैंने अभी पंगा ले लिया, तो इसमें कोई नहीं, मैं 7 ही न्यू ट्रूप्स भी इस पर अटैक करने के लिए बुलवा लूँगा, तब तक ये करते हैं। ओके जैसे ही इसकी ये मेरा ख़त्म होता है ओके, तो उसकी पावर फिर बहुत जल्दी जाएगी, मुझे जल्दी जल्दी बुलाना पड़ेगा। ओके ओके वो वापस जाएगा तो तब तक तब भी आएंगे ये। ओके अटैक करिए दूसरी ट्रू, मैं क्यों बुला लेता हूँ। ओके ये आ चुके हैं, तो ये भी इजी होता है, यानी आप जो है वो सिटी हॉल के पास से अगर ये हों तो फिर इजी हो जाता है उसके लिए। फिलहाल आपको ये देखो इधर से ये क्वेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे ये स्पिन वगैरह, और माइटिस गवर्नर जो है सबसे किंगडम में अच्छा गवर्नर, आपको ये करना पड़ता है, तो तब तक ये लड़ते हैं, लड़ो मरो। और ये देखा आपको, और एक बात और, ये जो जम्स होते हैं ये बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करने, जैसे भी आपको ये देखो जब आप आओगे ना इसमें तो इससे जम्स मिलते हैं, ये देखा ये आपको मिलने मिलते हैं उसमें, एलियंस ज्वाइन करके और उसके बाद उनके हर एक चीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करके फिर आपको मिल जाएंगे। ओके तो जीत गए हैं, जैसे आपको जैसे ही हम ये विन करेंगे तो हमें ये एक ग्राफ बता देगा कि आपकी आर्मी ये है, इस हिसाब से हमने डैमेज दिया, इस हिसाब से हमने जीते हैं, तो विक्ट्री हमें, और ये डिफीट, एक डिफीट हुआ है और दो विक्ट्री हुई है, और ओके इनका जो मिला मुझे वो क्लेम ले दो, क्लेम मिल चुका है ना मुझे इनका, क्लेम मिल चुका है थिंक। चलो ओके तो
मैं भी अगर आप मेरा एक किंगडम ज्वाइन करोगे तो मैं एक नया सोच रहा हूँ कि जो है वो अपनी टेरिटरी बनाऊँ, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जो है कम्युनिटी वो भी इस गेम को देखे, और ये कम्पिटेटिव के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। आपको मैं दिखाता हूँ कम्पिटेटिव के हिसाब से कैसे ये कम्पेन है। इसमें आपको ये लॉर्ड्स कयान और आर्क ऑफ फोर्सेस ये खेलने को मिलते हैं, और इनके इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले होते हैं ये गेम के। तो आप भी चाहो तो आ सकते हो मेरे किंगडम में, हम इधर टेरिटरी बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप दूसरी किंगडम में भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको ये लाजमी करनी है, ये जितने फास्ट दबाओगे ना आप उतनी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1000 मल्टीप्लाई। और ये ग्राफ भी बताता है आपके कि किसने किधर गया है, ये मैसेजेस में पर्सनल एलियंस। एक मिनट इधर होगा, ये देखा डेली डोनेशन में ये आपको ये देगा, रिवार्ड भी देगा जिसकी ज़्यादा डेली डोनेशन होगी, और जिसकी वीकली ज़्यादा डेली डोनेशन होगी वो उसकी ज़्यादा मिलेंगे। ये देखा, तो आप जितने ज़्यादा ये प्रेस करोगे ना डोनेशन के उतने ज़्यादा होंगे, और उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फास्ट से फास्ट करना आपने। ओके, मैं ये इधर चेस्ट खोल लूँ, कंफर्म। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक कोर करता हूँ, मुझे एक मिनट, इसमें से कोई क्वेस्ट उठाते हैं वो करते हैं। ओके, इसमें देखते हैं ये क्या है, इसको देते हैं इजी नॉर्मल इजी पहले देते हैं, मैंने पहली मरतबा कर रहा हूँ ये। कौन आएगा मेरे साथ, मुश्किल ही है, कोई कोई भी नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि जो है ये किंगडम ना बहुत कम लोग ना ऑनलाइन होते हैं किंगडम में, तो इस वजह से ना नहीं होता है ज़्यादा लोग ना रात को ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि ये बाहर के कंट्री के हिसाब से ना गेम को सेट किया गया है, और जो है इस टाइम वो बहुत कम लोग करते हैं। ये देखा इनका जो सर्वर है इंटरनेशनल किधर गया, द लॉर्ड्स किंगडम, बहुत कम लोग हैं। ये मेरा जो है देखा ये काफ़ी काफ़ी देर बाद, तो इसलिए मैं भी ये छोड़ने वाला हूँ फिलहाल। ओके, तो और क्या करने वाला, और क्या कर सकते हैं हम, एक मिनट एक मिनट। ओके, डिफीट गार्डियंस वन टाइम, गार्डियंस को हमें वन टाइम, एक मिनट मुझे गार्डियंस देने दो। वेयर इज गार्डियंस, नहीं ये तो बारबेरियन, ये बारबेरियन फोर्ट है। हाँ, आप इस पे रैली भी निकाल सकते हो, यानी मुख्तलिफ जो आपके टेरिटरी में लोग हैं वो रैली वगैरह में ज्वाइन हो सकते हैं। होली कोंकर, अच्छा ये गार्डियंस है, ये भी साथ में मिलकर ही होता है, और ये आपको वक्ता वक्त जैसे सिटी हॉल बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे आपको ये मिलती जाएंगे। और एक बात याद रखना, जैसे ये मेरी आइटम कंपेन है, आइटम वगैरह ये जितने भी आइटम्स वगैरह आपको मिलेंगी ना, ये आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़ाया कर देंगे ना तो आपको फिर आगे जाके बहुत दिक्कत हो। जैसे ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखी हुई है, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, तो इसको वेस्ट ना करिएगा। ये बूस्ट वगैरह हैं जो आपको आगे जाके काम आएगा, स्पीड अप्स, ये तो बिल्कुल भी ज़ाया ना करना है शुरू में। सबसे कम अज़ कम टाउन हॉल सिटी हॉल 17 तक तो बिल्कुल ना ये वेस्ट करें, तो मेरी तो यही है सलाह है। और ये आप, अच्छा ये होता है आपको टेलीपोर्ट टारगेट, टेलीपोर्ट करने के लिए ये ट्यूटोरियल जो आपको उधर से बस दिखाने के लिए है, और उसके बाद ये तो मेरे पास वो है कमांडर्स वगैरह के, ये बेसिकली इसका इतना खेलने वाला नहीं होता है यानी दिखाने वाला, तो इसमें बस यही है कि जब वो हो जो टेरिटरी वाले हैं किसी दूसरी टेरिटरी में अटैक करें उनका जो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं अब अपनी टैरिटी में हूँ ना, तो ये फ्लैग है ना इस पर मैं अटैक करूँगा ना तो ये टैरिटी ख़त्म हो जाएगी हिसाब से अब तक, तो इस वजह से आप ऐसे मौक़ों पर दिखा वीडियो ज़्यादा बनती है इसकी, तो आपको एक वो भी मिल जाएगी। मुझे इनका नाम नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा उनकी मशहूर है, मुझे नाम नहीं फिलहाल यूट्यूब पे आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाजमी बताऊँगा। आप उनकी देना, उनके किंगडम से, किंगडम की लड़ाई होती है, किंगडम वर्सेस किंगडम, तो वो तबाही लड़ाई होती है, उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा, उनकी मिलियंस में पावर है, 1 ट्रिलियन पावर उनके, आई थिंक। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही,
ओके, मैं ट्रूप्स वगैरह थोड़े से अपग्रेड कर लगा देता हूँ। आप ट्रेन कर सकते हो इधर से, और ये आपको रिसोर्सेज साथ में लाजमी कलेक्ट करने हैं, वरना आपका जो है वो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। तो अब मैं रिसोर्सेज भी कलेक्ट लगाता हूँ। ये किस पे क्या हुआ है? अच्छा, ओके, ये वुड लेने गया है, वह है 2 मिलियन ये लेके आएगा। ओके, वुड लेने गया। ओके, 6 लेवल 6, ये आपको इतनी जल्दी लेवल 6 का नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप बड़े से बड़े टाउन हॉल पे नहीं ना जाओगे तब तक आप इस पे मार्च कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ये किंगडम बड़ा होता जाएगा तब तब वैसे वैसे रिसोर्सेज भी बड़े होते जाते हैं। ओके, उसके बाद मुझे स्टोन का भी ढूंढना है। ये इतने ही मिलते हैं, ये बहुत कम मिलते हैं। 1 मिनट, क्या हुआ है? 26,000। ओके, तो वो 26,000 आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये थी आज की बेसिक्स वगैरह, और इस पे जो ट्रूप्स आपके जख्मी हुए हैं वो हील वगैरह कर सकते हैं। ये क्वेस्ट वगैरह इससे आपको मिलते हैं रिवॉर्ड वगैरह, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद कंपेन वगैरह ख़त्म हो गई मेरी। ओके, सनसेट के यहाँ तो ख़त्म हो गया मैं तो। तो ये थी आज की वीडियो, बस इतनी सी ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपके लिए ये जो है वो करके रखूँगा वीडियो बना के, और टेरिटी में टैग वगैरह करूँगा, और न्यू एक अपनी टेरिटी भी बनाऊँगा जिसमें आप चाहो तो ये 1978 का किंगडम है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, और अपना सिटी हॉल जल्द से जल्द अपग्रेड करके हम अपनी टेरिटी। बेसिक मैंने सोचा तो वह है कि किस साइड से शुरू करूँ, इस साइड से शुरू करूँगा, इस साइड से पहले ये स्काई ब्लू वाली ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद जो आगे आगे आती जाएगी फिर सारे वो ख़त्म करता जाऊँगा। ये जो ये है ना माल्टन रंग की ऑरेंज कलर की, इसको मैं सेंटर से काट के इसका ये सारा एरिया ख़त्म कर दूँगा, फिर ये इधर नहीं आ सकेगी, और फिर वगैरह और साथ साथ मैं आप करता जाऊँगा। तो क्वेस्ट वगैरह भी साथ ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रो था गेम का वगैरह। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना, और ऐसी और वीडियोस भी मैं लाऊंगा मोस्टली गेम्स की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।